बाइबल बताती जब शैतान को परमेश्वर ने मारा और उसका तमाशा बना दिया, जो आदम के पाप के द्वारा अधिकार खो गए थे यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा वापिस मिले, तो आज शैतान पावरलेस है। शैतान एक अधरंगी व्यक्ति की तरह है जो अपने बेड पे दोनों साइड का अधरंग होके पड़ा है और सिर्फ बोल सकता है। अगर आप उसके वचनों पे ध्यान करोगे तभी वो जीत पाएगा, नहीं तो उसके पास कोई ताकत नहीं है आपको हराने की। वो आपको बोलता जाएगा तेरे को कैंसर है, तेरे को टीबी है, तेरे को किडनी प्रॉब्लम है। अगर आपने स्पिरिट को हावी किया उसके कोड़े खाने से मैं चंगा, तो वो चीजें जो बाइबल में लिखी आपकी लाइफ में पूरी होती हैं। डरपोक कभी परमेश्वर के राज्य में इसीलिए कहा प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता डरपोक? क्योंकि डरपोक बंदा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकता, उसका डरपोकपन उसे प्रवेश नहीं करने देगा। एक ऐसी सिस्टर चर्च में आई थी जो मोहल्ले में से 5-6 औरतें आई थी, किसी के बेबी नहीं था, और 6 महीने आए, कोई 4 महीने, 5 महीने, कोई 2 साल, किसी के नहीं हुआ बेबी। धीरे धीरे वापिस आनी शुरू हो गई कि नहीं नहीं हुआ तो है नहीं, कुछ हुआ तो है नहीं। कोई अपने गांव गई यूपी, कोई बिहार, एक रह गई, उसके 19 साल बाद हुआ। आफ्टर 19 ईयर्स परमेश्वर को कोई डर नहीं है आपका कि अगर आप चर्च छोड़ देंगे तो वो आपको अभी काम करे, उसको कोई प्रेशर नहीं। कोई नरक जाता तो वो परमेश्वर उसे मिस नहीं करेगा, वो संडे नहीं आता तो परमेश्वर उसे मिस नहीं करेगा। उसने सब कुछ कर दिए, उसने लिखा अगर तू विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो उद्धार पाएगा। उसने आपको इंप्रेस करने के लिए कुछ नहीं करना लिखा, वो अपने गवाही के वचन के कारण। क्यों लोग अपनी धरती की गवाही को पाते हैं? क्योंकि वो अपनी आत्मिक गवाही को संभाल के रखते हैं। और क्या है तेरी आत्मिक गवाही? कि प्रभु जीवित, वो जीवित परमेश्वर है, वो चंगा करे या ना करे वो मेरा है, क्योंकि मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं, मैं नरक से बच चुका हूं, मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं। ये मेरी आत्मिक गवाही है, मैं अपने गवाही के वचन पे खड़ा रहूंगा, वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है। तो आप धरती की गवाहियां भी पाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो जीत जो आपकी आत्मिक हो चुकी होती शारीरिक रूप में भी आपको सामने नजर आती। क्योंकि जितनी शारीरिक चीजें आप देखते हो, टेंट से लेके, बांस से लेके, मेरे माइक से लेके, ये सभी एक अनदेखी वस्तु ने बनाया। सभी देखी हुई चीजें किसने बनाई हैं? परमेश्वर के वचन ने, हाँ या ना? तो आप अनदेखी वस्तु जो आपकी लाइफ में अब तक नहीं आई, अगर वो आ जाए प्रभु यीशु मसीह जो देखा नहीं जा सकता, तो जो देखी हुई वस्तु है, आपकी रसौली का गायब होना, आपके बेबी का आना, आपके बिजनेस का आना, जो देखी हुई वस्तु वो भी आपकी लाइफ में आना शुरू होती है। अगर आप अपनी आत्मिक गवाही को संभाल के रखते हैं तो आपकी शारीरिक गवाहियां बननी शुरू होती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अपनी गवाही के वचन को क्या कर? संभाल के रख, हाँ या ना? और अपने मेमने के लहू को समझ और ध्यान से, तू जयवंत होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। वो आपको ब्लेस करे और बढ़ाए। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी।